गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम 10th क्लास का चैप्टर स्टडी कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसमें हमने एक बेसिक प्लान पढ़ा था कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम होते हैं, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके अंदर जब नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, तो नर्वस सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है वो बना होता है हमारी ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व्स से, ठीक है। तो जो हमारी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, वो बेसिकली किस टिश्यू के मिलके बने होते हैं? तो वो जो टिश्यू है वो है हमारी नर्व सेल्स। 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो नर्व सेल्स होती हैं, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। चाहे वो हमारा ब्रेन है, चाहे वो हमारी नर्व्स है, चाहे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वो सारी किससे मिलकर बनी है? वो हमारी नर्व सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। और इन नर्व सेल्स के लिए एक पर्टिकुलर टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में बेसिकली दो मेन पार्ट्स हैं हमारे पास। एक है इसका साइटोन, साइटोन को सेल बॉडी भी बोलते हैं, और दूसरी है इसकी प्रोजेक्शंस, ठीक है। इसके अंदर से जो साइटोन वाला पार्ट है, सेल बॉडी है, वहां से अराइज होती हैं इसकी डेंड्राइट्स, और इसकी एक जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। यही न्यूरिलेमा एलोंगेट होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, विच इज एक्सॉन, ठीक है। तो एक लंबी सी प्रोजेक्शन है उसे एक्सॉन बोलेंगे, और एक सेल बॉडी है उसे बोलेंगे साइटोन। इस साइटोन के अंदर जो प्रोजेक्शंस हैं उनको बोलेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। और जो एक्सॉन्स हैं वो एंड करते हैं नर्व एंडिंग्स पे। इसके अंदर जो साइटोन बॉडी है, साइटोन बॉडी के अंदर जितने भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। जैसे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके अंदर इसे बोलते हैं न्यूरिलेमा, ठीक है। इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जितने भी बॉडीज यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप पढ़ते हैं वो सारी इसके अंदर होती है। इसके अंदर ये डेंड्राइट्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक तरह से रिसेप्टर का काम करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और वो इसको ट्रांसमिट करते हैं एक्सॉन के थ्रू। एक्सॉन के बाहर एक यहाँ पे आप शीथ देख रहे हैं जिसको बोलते हैं मायलिन शीथ, ठीक है। नर्व एंडिंग्स में इस तरह के आप नॉब्स देख रहे हैं, इन नॉब्स को कहेंगे सिनैप्टिकल नॉब। तो बेसिक सा यही स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूरॉन का होता है। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। इसकी साइटोन बॉडी के अंदर कुछ एक ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। इसकी जो माइलिन शीथ है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ एक ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, नोड्स होते हैं, इन नोड्स को बोला जाता है नोड ऑफ ग्रेन्वियर। तो ये मेन पार्ट्स हैं जो आपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में याद रखने हैं। 10th लेवल पे इतने ही जो नेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इन सारी नेमिंग को आपने याद रखना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक है। साइटोन है, एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है। अब क्या होता है, न्यूरॉन क्या काम करते हैं, सिग्नल्स को लेके आते हैं। वो सिग्नल कहाँ से आता है, सिग्नल जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, किसी भी सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ रिसीव होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स पर रिसीव होते हैं, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ से वो रिसीव होंगे और वो सिग्नल साइटोन बॉडी में जाएंगे, ये हमारी सेल बॉडी के पास वो सिग्नल आ गया। यहाँ से वो मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है। वो एक इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं इस एक्सॉन से, और इस एक्सॉन से होते हुए वो पहुंचते हैं इन नर्व एंडिंग पे। इन नर्व एंडिंग पे यहां पर वो सिग्नल पहुंचा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। अब क्या होता है, इसकी जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके एक्सॉन का सिनैप्टिकल नर्व है, ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड भी नहीं होता, इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। तो इसके साथ दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, और इनके बीच में एक गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स बेसिकली क्या है, इट इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, और आप कह सकते हैं कि ये गैप है एक न्यूरॉन की एक्सॉन की नर्व एंडिंग का और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के बीच का, ठीक है। तो उस
स्ट्रक्चर को, उस गैप को बोलेंगे सैनैप्स। इसी के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। यहीं से क्या करता है, ये सिग्नल को लेके आता है। यहाँ पर ये क्या करता है, कुछ अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, यहाँ पर ये क्या करेगा, कुछ एक केमिकल्स रिलीज कर देता है। वो केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो केमिकल्स यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, इनके बीच के जो गैप है वहां पर रिलीज हो जाएंगे, और वहां से जो डेंड्राइट है दूसरा, वो डेंड्राइट क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर केमिकल चेंज हुए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल इम्पल्स में चेंज हुआ। ठीक है, केमिकल चेंज आया उसमें, और उस केमिकल को दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव कर लेगा। अब वो वहां से इसी तरह से आगे मूव करेगा, और वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है। तो इस तरह से जो हमारा न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को कैरी करके लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के टाइप्स की। तो हमारी बॉडी में जनरली तीन टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं जो काम करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में काम करते हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन, और तीसरे हैं रिलेइंग न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, कहाँ से, रिसेप्टर से। अब मान लिया ये हाथ है, यहाँ पर क्या करेगा, कोई भी स्टिमुलस आया बाहर से, ठीक है, कोई नीडल है, नीडल यहाँ पर टच हुई, ठीक है, नीडल है, नीडल यहाँ पर टच हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिग्नल रिसीव हुआ। तो यहाँ से सिग्नल कौन रिसीव करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो वहां पर किन के डेंड्राइट्स होंगे, कौन से न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होंगे जो सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, वो होंगे सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स सेंसरी न्यूरॉन के उस सिग्नल को रिसीव करेंगे और उसे ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, वो सिग्नल को यहाँ से, यहाँ पर कौन से न्यूरॉन्स हैं, अब सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं, जो कि स्टिमुलस से सिग्नल को रिसीव करते हैं, ये यहाँ से मैसेज को लेके जाएंगे, और कहाँ पर लेके जाएंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जैसे ही मैसेज जाएगा, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड है, फिर तीसरा न्यूरॉन, इस तरह से न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इमीडिएट रिएक्शन आएगा उस एरिया की, यहाँ पे मसल्स है। ठीक है, इन मसल्स के साथ भी कौन, यहाँ पे न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। ठीक है, उन न्यूरॉन्स को कहेंगे मोटर न्यूरॉन्स, मतलब जो कि इफेक्टर ऑर्गन्स पर इफेक्ट करने के लिए बैठे हैं, वो है हमारे मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, वो सिग्नल्स को कैरी करके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स है मतलब वो सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस से कैरी करके जाएंगे उस एरिया के मसल्स के पास। ठीक है, क्या मैसेज लेके जाएंगे वो, कि इस एरिया से अपने हाथ को विड्रॉ करो। ठीक है, तो एकदम से वो रिएक्ट करेगा, नीडल ने टच किया, सेंसरी न्यूरॉन ने यहाँ से सिग्नल को रिसीव किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस मसल, उन मसल्स को, कि अपने हाथ को विड्रॉ करो, क्योंकि जो हाथ को कौन पीछे करेगा, मसल्स ही करेंगी, तो मसल्स के पास मैसेज कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स। तीसरे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं रिलेइंग न्यूरॉन्स, मतलब ये ना तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ना ही ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये इनके बीच में काम करते हैं। ठीक है, ये भी सिग्नल्स को आगे भेजने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं रिलेइंग न्यूरॉन्स। जैसे रिले रेस होती है ना, उसमें आगे आगे पास करते जाते हैं, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, न्यूरॉन्स सिग्नल्स को आगे बस पास करते हैं। तो इस तरह से जो सिग्नल्स में इस तरह से काम करते हैं, ये है तीन टाइप के न्यूरॉन्स। फिर एक टर्म आती है रिफ्लेक्स एक्शन। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके हाथ में कभी नीडल चुभती है, तो आप क्या करते हो, अपने हाथ को एकदम से पीछे हटा लेते हो। सोचते हो क्या उस टाइम, नहीं सोचते, एकदम से वो रिएक्शन होता है और आप अपने हाथ को पीछे हटा लेते हो। ऐसे किसी गर्म पोर्ट को आप टच करते हो तो भी क्या होता है, आप अपने हाथ को पीछे हटा लेते हो। तो वो क्या है, वो एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारी बॉडी का मेन फंक्शन को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन होता है ब्रेन। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड है इसकी मैनेजर, असिस्टेंट बोल सकते हैं, ब्रेन की असिस्टेंट है। ठीक है, तो ब्रेन ने कुछ पावर स्पाइनल कॉर्ड को भी दी है। अब यहां से नीडल टच करी और नीडल से सिग्नल अगर हमारे ब्रेन तक जाता,
तो ब्रेन से सिग्नल पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता, मतलब फिर सोचता ब्रेन की हटाना है हाथ या नहीं हटाना है। लेकिन जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को ये पावर दी है कि अगर कुछ ऐसे क्विक रिएक्शंस करने पड़े, मतलब अगर बॉडी को कोई प्रॉब्लम है या बॉडी किसी ट्रबल में है, तो उस टाइम पे क्विक रिएक्शन होता है जो किसके थ्रू होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है। उन रिएक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली है क्या, अ क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू द सर्टन स्टिमुलाई दैट इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। एक क्विक रिएक्शन होता है, सडन रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का, जो कि कुछ एक स्टिमुलाई के लिए होता है, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर एक टर्म आती है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इन रिएक्शंस को करने के लिए जो पाथवे इम्पल्सिस का फॉलो होता है, जो एक पाथ फॉलो होता है, उस जो पाथ को बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क है क्या, द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जैसे स्टिमुलस है, स्टिमुलस कोई भी मिला, जैसे हीट है या फिर कोई निडल प्रिक हुई, वो कहाँ पर प्रिक हुई, हमारे सेंस ऑर्गन पर, वहां पर रिसेप्टर्स थे, उन्होंने उसे रिसीव किया, वहां पर क्या थे, सेंसरी नर्व्स थी, सेंसरी नर्व्स के डेंड्राइट्स ने रिसीव किया और अपने एक्सॉन से सिग्नल आगे पास किया। आपको याद रखना है कि नर्व्स के अंदर जो भी सिग्नल पास होता है वो हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ सिग्नल जाएगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है सिग्नल्स का। तो स्टिमुलस से सेंस ऑर्गन पे गया, सेंस ऑर्गन में सेंसरी नर्व्स थी, उन्होंने सिग्नल को रिसीव किया, सेंसरी नर्व से सिग्नल कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने इमीडिएट रिएक्शन दिया और उसने सिग्नल भेजा मोटर नर्व के पास। मोटर नर्व्स ने सिग्नल कहाँ से रिसीव किया, अपने डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव किया और अपने एक्सॉन से आगे पास किया। उसके जो एक्सॉन्स थे वो आगे किससे कनेक्टेड थे, मसल्स के साथ कनेक्टेड थे। जो एक्सॉन का जो सिनेप्टिकल नर्व था यहाँ पर, वो मसल्स के साथ कनेक्टेड था। इसने मसल्स को, इनको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर मसल्स के साथ जो जंक्शन था, यहाँ पर इसने सिग्नल को भेजा और यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन्स में जो मसल्स थी वहां पर क्या हुआ, वो जो सिग्नल था वो ट्रांसमिट हुआ और उन्होंने इमीडिएट रिएक्शन किया और रिस्पॉन्स दिया, मतलब हाथ को अपने विड्रो किया। तो यहाँ पे जो हीट था वो स्टिमुलस था, उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ हैंड। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम से रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो ये पाथ फॉलो हुआ है, इस पाथ में क्या हुआ, इम्पल्स ट्रेवल हुआ है और इस पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एक आर्क की शेप में यहाँ पर जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाने वाले नर्व्स थी और स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्रैक्टर ऑर्गन की तरफ आने वाली नर्व्स थी। तो इस तरह से जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आप डायग्रामेटिकली भी इसको शो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। थैंक यू क्लास।